Hey kids, how are you all? कैसे हो आप सब? अरे इंतजार कर रहे थे? Very good. आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस. So हम साइंस में क्या पढ़ने जा रहे हैं मैम? हम सोच रहे हैं हम आज अपने आसपास की चीजें देखें. मैम फिर हम पढ़ेंगे कैसे अगर हम आसपास की चीजें ही देखेंगे तो? अरे यही तो पढ़ना है. हमारा चैप्टर है साइंस, चैप्टर नंबर 10, थिंग्स अराउंड अस, चीजें हमारे आसपास की. सो लेट्स स्टार्ट. आपको बच्चे साइंस की बुक खोलनी है, चैप्टर नंबर 10 एंड पेज नंबर इज 6969. लेट्स स्टार्ट बच्चे. मैम ने पेज भी खोल लिया है, 69, थिंग्स अराउंड अस चैप्टर 10. ठीक है, मैम रीड करना स्टार्ट कर रही है. देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं. And these some can move, breathe, eat, feel, grow and have babies. इनमें से हमारे आसपास बच्चे देखो आपको दिख रहा है मैम के आसपास कितना कुछ है? आपको तो सिर्फ ये स्क्रीन दिख रही है. तो आप देखो फिर भी मैम के आसपास स्क्रीन तो दिख रही है ना, और स्क्रीन में भी देखो कितना कुछ दिख रहा है ना. तो बच्चे हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें से कुछ क्या होती हैं? मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं, ब्रीथ अरे सांस भी ले सकती हैं, ईट खा भी सकती हैं, फील आउच मेरे को फील होता है, आपने मुझे मारा ना, फील भी हो सकता है, ग्रो जो ग्रो भी हो सकते हैं, एंड हैव बेबीज जिनके बेबीज भी हो सकते हैं. दे आर लिविंग थिंग्स, उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. कौन सी चीजों को बच्चे? जो चीजें मूव कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, ईट कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और जिनके बेबीज भी हो सकते हैं. वो चीजें क्या होती हैं? दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उन्हीं को लिविंग थिंग्स कहते हैं. सम इन द सराउंडिंग्स कैन नॉट डू दीज एक्टिविटीज, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और कुछ चीजें हैं जो कि ये चीजें नहीं कर सकती, उन्हीं को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. क्यों ना हम एग्जाम्पल अपनी साइंस बुक का लें. देखो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो मूव कर सकती हैं. क्या ये बुक अपने आप चल के आपके पास आ सकती है या कहीं और जा सकती है? नो, ये अपने आप नहीं चल सकती. क्या ये ब्रीथ कर सकती है? अरे क्या ये सांसें लेती है? नो, ये सांसें भी नहीं लेती, ये ब्रीथ भी नहीं करती. क्या आपकी बुक खाना खाती है? ईट. पता है आपकी बुक ना वैसे नहीं खाना खाती, बट कई बार क्या होता है हम बुक को आगे रख के ना लंच कर रहे होते हैं और वो लंच ना हम इस पे गिरा देते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं? बुक ने भी खाना खा लिया, है ना? बट बुक ईट नहीं करती है. ठीक है, फील, अरे बुक को मैम ने गिरा दिया. क्या ये रोई? क्या ये रो रही है? नहीं, इसे कुछ फील नहीं होता. ग्रो, कल जब मैम ने आपकी प्रीवियस क्लास ली थी चैप्टर 9 की, क्या ये बुक इतनी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई? नो, पहले भी बुक बच्चे इतनी थी और अब भी इतनी है. क्या बुक के बेबीज हो गए? क्या कल एक बुक थी और आज 10 बुक्स हैं या 5 बुक्स या 3 या 2? नो, हमारी 1 की 1 बुक है. तो ये क्या है बच्चे? नॉन लिविंग थिंग. और मैम जो है ह्यूमन बीइंग, मैम लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग्स में आती है. ठीक है, जो चीजें मूव कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, ईट कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और जिनके बेबीज हो सकते हैं, दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स. और जो ये सब काम नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज नॉन लिविंग थिंग, एग्जाम्पल बुक. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, लेट अस एक्सप्लोर. अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो ये काम नहीं करती हैं, वो भी दो तरीके की हो सकती हैं. कौन कौन सी? नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड. नेचुरल, नेचुरल हमें यहीं से पता लगता है जो हमें नेचर से मिली है, नॉन लिविंग थिंग्स. और कुछ है मैन मेड. मैन कौन होते हैं? हम लोग. मैन मेड यानी कि इंसानों की बनाई गई कुछ चीजें जो कि नॉन लिविंग थिंग, लाइक ए बुक है, ये हमारे इंसानों की, मैन की बनाई हुई है, बट ये नॉन लिविंग थिंग है. और कुछ चीजें, वॉटर नॉन लिविंग थिंग है बट ये नेचुरल है, है ना? हमने वॉटर नहीं बनाया, दिस इज नेचुरल नॉन मेड, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल थिंग्स. हम नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स अराउंड अस आर ईदर नेचुरल और मैन मेड.
जो चीजें हमारे आसपास होती हैं कुछ नेचुरल भी होती हैं और कुछ मैनमेड भी होती हैं। थिंग्स सच एज एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स एंड सॉइल विच आर नॉट मेड बाय मैन एंड आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वो चीजें जैसे कि एयर हवा, वाटर पानी, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स मीन्स जानवर, रॉक्स यानी कि पत्थर, सॉइल यानी कि मिट्टी, विच आर नॉट मेड बाय मैन जो कि हम इंसानों ने नहीं बनाए और हमें वो नेचर से मिले हैं, इन्हीं को नेचुरल थिंग्स कहते हैं। क्लियर हुआ? नेचुरल थिंग्स कैन बी ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। अब नेचुरल थिंग्स जो है वो भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, वो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी। नेचर से मिली चीजें जरूरी नहीं है कि नॉन लिविंग ही हो, नेचर से मिली चीजें लिविंग भी हो सकती हैं। कैसे? नेचुरल थिंग्स कैन बी ईदर लिविंग और नॉन लिविंग, बताया मैम ने आपको। नेचुरल थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स हम इंसानों ने नहीं बनाया कि नेचुरल है, बट नेचुरल है ना, बट लिविंग थिंग्स में आते हैं। प्लांट्स जो है बच्चे सांसें लेते भी हैं, खाते भी हैं और ग्रो भी करते हैं। प्लांट्स के बेबीज भी होते हैं, ठीक है, और वो मूव भी कर सकते हैं। मूव कैसे कर सकते हैं? क्या मैम प्लांट्स चल सकते हैं? नो, दे मूव अपराइट टुवर्ड्स द सन एंड दे गो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल। प्लांट्स को जब आप पानी दोगे तो वो ग्रो करेंगे किसकी तरफ? सन की तरफ। सन का होता है ऊपर, तो सन की तरफ ग्रो करते हैं। जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो मुरझा जाते हैं और वो ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, मतलब वो ग्राउंड में धंसते जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो तो नेचुरल होती हैं, ठीक है। दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो भी कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं। लाइक बर्ड, लेडी बर्ड, मंकी, स्क्विरल, ये नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स पेज नंबर, बच्चे अब हम आगे हैं 7070 पर। रॉक्स, वाटर, एयर एंड सैंड, रॉक्स, वाटर, एयर एंड सैंड आर नेचुरल थिंग्स, ये नेचुरल थिंग्स होती हैं, बट डू नॉट हैव लाइफ इन देम, बट इनकी लाइफ नहीं होती, ये लोग सांसें नहीं ले सकते, ये लोग ही नहीं होते हैं। पहली बात तो ये चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं। कौन कौन सी? रॉक्स, वाटर, एयर एंड सैंड, ठीक है, आर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल होती हैं, हमें नेचर से मिलती हैं, लेकिन इनकी लाइफ नहीं होती, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, दस दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मैन मेड थिंग्स। अब मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? थिंग्स सच एज बुक्स, जैसे कि मैम ने आपको बताया बुक्स होती हैं, टेबल्स, टॉयज एंड क्लॉक्स, ये सब चीज़ें किसकी बनाई हुई हैं? ये मैन, इंसानों की बनाई गई चीज़ें हैं, आर नॉट फाउंड इन नेचर एंड आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, ये हमें नेचर से नहीं मिली, हम इंसानों ने बनाई है और इन्हीं को कहते हैं मैन मेड थिंग्स, ठीक है। दस नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी ईदर नेचुरल और मैन मेड, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स भी नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग तरीके का मटीरियल क्या क्या होता है। मैन मेड थिंग्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, जो मैन मेड की चीज़ें होती हैं, इंसानों की बनाई गई चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग मटीरियल से बनाई गई होती हैं, अलग अलग चीज़ों से बनाई गई होती हैं। वी गेट दीज मटीरियल फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमें जो इन सबको बनाने के लिए मटीरियल चाहिए होता है ये हमें लिविंग थिंग्स से भी मिलता है और नॉन लिविंग थिंग्स से भी मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स आर, एग्जाम्पल क्या क्या मटीरियल का? वुड, रबर, मेटल्स एंड प्लास्टिक, जैसे कि वुड, रबर, मेटल और प्लास्टिक, ये हमें किससे मिलता है? लिविंग थिंग्स हमें देती है, ठीक है। वुड इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल, चेयर एंड पेंसिल। अब जो वुड हम यूज करते हैं वो क्या होता है, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? टेबल्स बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं। रबर इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज बलून्स, रबर के बलून्स बनते हैं, टायर बनते हैं बच्चे, ग्लव्स एंड इरेजर्स, ग्लव्स और इरेजर्स भी बनते हैं, ठीक है।
मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज मेटल का यूज होता है यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स यानी कि औजार बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स ये भी होते हैं ठीक है ये ऑर्नामेंट्स होते हैं कार्स एंड मशीन्स कार्स और मशीन्स को बनाने के लिए प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक क्या ऑब्जेक्ट बनाने के काम आते हैं जैसे कि बॉटल्स जो होती हैं हमारी प्लास्टिक की होती हैं आप देख सकते हो ये हमारी वाटर बॉटल है ये प्लास्टिक की बनी हुई है बकेट्स कॉम्स एंड रोप्स कॉम और रोप्स ये सब किससे बनता है प्लास्टिक से बनता है ठीक है क्लियर हुआ बच्चे लास्ट पेज हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है डन अब हम पेज नंबर 71 पे समझेंगे क्या हमें बुक में करना है क्या नोटबुक में करना है ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑन द नेक्स्ट पेज राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ये आपका वर्क है बुक वर्क क्वेश्चन आंसर दैट इज इन योर नोटबुक वर्क असाइनमेंट विल बी सेंड टू यू बच्चे आप सबको क्या करना है अपने आप मैम ने आपको प्रीवियस क्लासेस में बोला हुआ है अपने आप बच्चे चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है अब अपने आप ट्राई किया करो कि आप बुक वर्क और नोटबुक वर्क को सॉल्व कर सको इससे हमें पता लगता है कि हमें चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड थैंक यू